दोस्तों यहाँ एक बाजार में आके रुके हुए पापा लोग मछली ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि रात में मछली बनाएंगे, तो देखते हैं पापा लोग कौन वाला मछली ले रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग छाल पार कर गए हैं और खाना बनाएंगे, पंप में रुके ही थे कि अभी पता चला है कांटी चढ़ गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। दोस्तों पत्थलगांव तो आ गए हैं, जहाँ मेरा खाली होगा यहीं पे गोडाउन है यहाँ पे, तो यहीं पे मेरा माल खाली होगा। थोड़ा देख रहे हैं बारिश सुबह सुबह फिर चालू हो गया था, तो अभी थोड़ा सा राहत मिला है, अभी बारिश छूटा हुआ है। अब यही कि कल शाम में जो काम हो जाता है वो काम आज होने में लेट होता है, क्योंकि वो लेबर आने में 9-10 बज जाता है, साहब लोग का आने में 9-10 बज जाता है, तो वो टाइम बर्बाद हो जाता है। कल अगर हो जाता ना तो अभी तक हम वापस रायपुर पहुँच जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इंतजार करते हैं उन लोगों का, साहब लोग आएंगे तो गाड़ी खाली करा के निकलेंगे फिर यहाँ से। दोस्तों गाड़ी तो कंपनी के अंदर ले आया है, अब इंतजार कर रहे हैं लेबर का। हालांकि थोड़ा मौसम अभी साफ हुआ है, थोड़ा धूप हो गया है, थोड़ा कभी धूप कभी छांव ऐसा हो रहा है, अब इंतजार करते हैं। अब ड्यूटी से आने वाला है तो आएगा तो अपना खाली करवाएगा। दोस्तों अपना लोडिंग का भी बात हो गया है, अपना बलौदा बाजार से लोडिंग भी है, तो लेकिन देखते हैं अपन लोडिंग पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, वो बात अलग है। पहले यहाँ से तो खाली होकर निकल जाएं जल्दी, फिर अपना चलते ही रहेंगे अपना। देखिए दोस्तों खाली होने तो स्टार्ट हो गया है, तो खाली हो रहा है माल, खाली हो जाएगा तो फिर हम लोग जाएंगे रायपुर यहाँ से खाली गाड़ी, और फिर वहाँ से लोड करेंगे राजस्थान का, देखेंगे आगे चल के क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों खाली तो हो गया है, तो ये बोरा सब निकाल रहे हैं, ये बोरा सब निकाल के दे देते हैं इनको। तो यहाँ का तो आइटम खाली हो गया है, अब थोड़ा सा आइटम रह गया बगल मिक्सर प्लांट का है, तो जा रहे हैं गाड़ी लेकर वहीं मिक्सर प्लांट में। अब वहाँ पर भी खाली, एक जगह खाली होता है तो समय बर्बाद नहीं होता, दो दो जगह में समय बर्बाद हो जाता है। अब वहाँ जाएंगे तो लेबर कोई काम कर रहा है क्या कर रहा है, फिर गाड़ी में लगाएगा, ये सब थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है दोस्तों जाते हैं अभी वहाँ, देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है। दोस्तों अब दूसरे वाले फैक्ट्री में आ गए, अब देखते हैं यहाँ पर कब तक खाली होता है नव गाड़ी। देखिए दोस्तों गाड़ी तो अभी खाली हो रहा है, दोपहर को 2 बज गया, कुरकुरे प्लांट था वहाँ पर खाली हो गया, तो यहाँ पे मतलब दो जगह का माल हो गया। यही चलते आज हम लोग का दाल भात चावल बन रहा है, दाल चावल बन रहा है। आज हम लोग के पास कुछ आइटम भी नहीं है जो कुछ बना ले, तो यही हम लोग का आज दाल और चावल था। ठीक है दोस्तों ज़्यादा टाइम भी हो गया, यही चलते आज हम लोग का मटेरियल का कुछ हुआ नहीं, तो आज हम लोग बनाने का दूसरा मूड में थे, देखते हैं दोस्तों शाम में यदि बनेगा तो ठीक है। दोस्तों गाड़ी खाली करते करते 3 बज गया, और खाने में आज हमारा खाना बहुत ही सिंपल, चावल और दाल, सब्जी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि सब्जी वगैरह था ही नहीं मेरे पास। इसका कारण क्या है कि हम लोग सोच रहे थे संडे जल्दी खाली हो जाएगा तो निकल जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ, तो चलो भाई अच्छा हुआ कि दाल लेके रखे थे गाड़ी में, कभी मुर्गा बनता है कभी मछली तो कभी दाल और भात। दोस्तों खाना तो हो गया, अब निकल रहे हैं यहाँ से, सारा रिसीविंग वगैरह जो लेना सब ले लिए हैं, आज संडे कहीं से फोन भी नहीं आया लोडिंग के लिए, अब जो भी होगा मंडे को ही लोडिंग वगैरह निकलते हैं अभी, यहाँ तक रात में चलेंगे क्योंकि रायपुर कल पहुँचना भी हम लोग को सुबह। उस बीच में हो सकता है सेट का कहीं फ़ोन आ गया कि वहीं पर रहना, कहीं लोडिंग वोडिंग है, तो देखते हैं कहीं से लोडिंग वोडिंग हो सकता है। दोस्तों यहाँ एक बाज़ार में आके रुके हुए पापा लोग मछली ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि रात में मछली बनाएंगे, तो देखते हैं पापा लोग कौन वाला मछली ले रहे हैं, तो आज रात में बनाएंगे वही। छोटा मछली मरे, कौन मछली, इसको नाम क्या बोलते हैं, उसी का है क्या, इससे बड़ा नहीं होता। अच्छा इससे बड़ा नहीं होता है, ये वाला तो अंडा दिख रहा है, ये वाला तो
दोस्तों यही पत्थलगांव बाजार है, यहीं पे कल जुलूस निकला था, इसके चलते हमारा गाड़ी खाली नहीं हुआ। इनमें तो कुछ बन नहीं पाया, देखे आप लोग तो आज शाम में मिला है मछली, तो ले लिए है मछली। हम कहे चलो आज बनाते हैं कहीं शाम में। देखिए दोस्तों सामान लेने के लिए किए थे, तो देखिए दोस्तों मिर्चा फ्री में दे दिए और टमाटर 10 रुपया का लिए, और ये आटा लिए, ये सरसों लिए, ये लहसुन लिए। तो इतना सामान लेने के बाद मिर्चा तो फ्री किया बेचारी, बोला ठीक है मिर्चा फ्री कर देते। आलू 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 नहीं है उसका पास, तो इतना सामान ले लिए। दोस्तों धर्मनगर तो पार कर गए और शाम का 6 बज गया। अभी ये रोड थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा गाड़ी में लचक थोड़ा ज़्यादा ही होता है, थोड़ा शरीर थोड़ा ज़्यादा ही हिलता है इसमें। और अभी हमारा चाय पीने का समय होने चला, हम जाते हैं आगे ढाबा है वहीं रोकेंगे, वहीं चाय पियेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे वहाँ से। ये गाड़ी में मतलब यही थोड़ा फर्क है कि देखिए गड्ढा गुड्ढी आने से शरीर काफ़ी ज़्यादा हिलता है, और उस समय उतना चक्कर रहता था तो एक ना एक चक्का गड्ढा पर रहता था तो बैलेंस बना के रखता था गाड़ी का, इसमें ऐसा है नहीं, बैलेंस नहीं बन रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट आ रहा था एवरेज के विषय में, तो दोस्तों बता दें कि इस गाड़ी का एवरेज 5.5-6 दे रहा है। अभी रोड रोड का फर्क है, इस रोड पे तो 5 तक का देगा और 4 लाइन में चलेंगे तो 6 तक का दे देगा, और थोड़ा कम ज़्यादा 5.5-6 मतलब इतना तक का देता है एवरेज, और इस रोड में 5 का एवरेज दे रहा है। जिस टाइप का ख़राब रोड है, ये गियर गियर में गाड़ी चल रहा है इस पर नहीं दे रहा है। इस पर आ गए अभी चाय पीने, और चाय पी कर निकलेंगे अभी यहाँ से, शीशा सब साफ करना है। ठीक है भाई चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं। दोस्तों चाय पी के तो निकल गए, अब अपना क्या है ना कि कुछ रोड बचा हुआ है, ख़राब रोड पार हो जाएगा तो थोड़ा शरीर का थकावट भी नहीं आएगा उतना। आज खाना ही बनाना है रात में, और रात में ऐसा मछली है थोड़ा समय तो लगता है उसमें, और जल्दी कहीं रुकेंगे रुक करके बना उना लेंगे, उसके बाद फिर कल सोमवार है, कल से लोडिंग भी अपना चालू हो जाता है, क्योंकि आज संडे लेकर के किसी का फ़ोन नहीं आया, सेठ तक का फ़ोन नहीं आया मेरा पास। ठीक है दोस्तों देखते हैं जहाँ जरा मिलेगा वहाँ रुकेंगे। दोस्तों अभी हम लोग छाल पार कर गए हैं और खाना बना के पंप में रुके ही थे कि अभी पता चला है कांटी एक गड़ गया है टायर में, वो भी आगे का टायर, पीछे का टायर है तो कोई बात नहीं था, आगे का टायर में, और अपने गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है, तो अच्छा हुआ था कि इस जगह जग ले लिए थे, नहीं तो जग अभी मांगना पड़ जाता। तो ठीक है दोस्तों अभी जा रहा रोहित जा रहा टायर खोलने के लिए, टायर बनाएगा, तब तक हम जा रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, दोनों काम दोनों तरफ होना चाहिए, हम जा रहे हैं अभी रोटी बनाते हैं सब्जी। दोस्तों ये मेरा मछली का मसाला तैयार कर रहे हैं, अभी सरसों को भून ले रहे हैं और उसके बाद फिर गिलास में इसको कूटेंगे, क्योंकि तभी कुटाएगा अच्छी तरह से, ये तो ऐसे होगा नहीं। ये अभी मतलब मसाला तैयार कर रहे हैं अभी हम। दोस्तों मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब चले मछली को फ्राई करने के लिए। पहले मुंडी सबको करते हैं क्योंकि ये बड़ा साइज है ना, तो इसी करते हैं, थोड़ा सा तेल से सावधान भी। ये देखिए दोस्तों इतना मछली भून के निकाल लिए हैं, और ये और मेरा अभी निकल रहा है, अभी इसको हम लोग अपने भाषा में भूंजना बोलते हैं, बहुत सा भाषा में तलना ही बोलते हैं कि तल के निकाल रहे हैं, तो हमारा जो भाषा है भूंजने वाली कि भूंज के निकाल रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, अभी तेल काफ़ी गर्म है, थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, और उसके बाद अभी रोटी भी बनाना है, अभी टायर का भी काम हो रहा है, मतलब शाम दोनों काम एक साथ पड़ गया। टायर वाला काम नहीं होता तो थोड़ा जल्दी हो जाता, लेकिन अब टायर रोहित टायर बनवा रहा है, हम इधर ही करवा रहे हैं। दोस्तों मछली का सारा पीस निकाल लिए हैं, अभी लास्ट आइटम बनता है। कभी कभी मछली में अंडा निकल जाता है, तो अंडा तो ऐसे बेसन में देकर पकौड़ा बनाते हैं, लेकिन उतना नहीं है, ऐसे ही हम लोग इसको ही कर देते हैं। ये मछली का अंडा है, निकल ही जाता है कोई कोई मछली में। अब ये दूसरा है तो इसको दूसरी बार में डालेंगे, क्योंकि तेल भी मेरा लगभग कम है। ये देखिए अंडा भी निकाल ले रहे तल के। अब ये क्या है कि अंडा देखिए, अब ये एक पीस और बचा हुआ है, पूरा जितना बचा हुआ हल्दी में लपेट के। दोस्तों इधर का सारा आइटम हो गया, अब ये मसाला चले बनाने के लिए, इसका तरी। अभी क्या ना कि अदरक गर्मी में नहीं डाल रहे हम लोग, गर्मी में अदरक खाते नहीं हैं, और उस समय जो सरसों कूटे थे, ये देखिए वो कूट के मसाला तैयार है सरसों का। सरसों ही मछली में ज़्यादा पड़ता है, जैसे सरसों जो है हम लोग पीस नहीं सकते ना, तो उसको गिलास में कूट के बना लेते हैं। दोस्तों मेरा तरी देखिए बन चुका है, पूरा खोल रहा है, ये देखिए मेरा तरी बन गया है मछली का। पहले इसमें मछली डाल लें, देखिए दोस्तों मेरा तो काम चालू हो गया है, तो मेरा टायर तो बन गया, हम लगा भी दिए टायर, तो हम अपना काम चालू कर दिए रोटी बनाने। अब मेरा उस्ताद तो मछली बना लिया है, मेरा ही काम बचा है, हम करते हैं। दोस्तों रात के 10 बज चुका है और हमारा खाना कंप्लीट हो गया, टायर का भी काम ख़त्म, और ये अपना बन गया मछली भी। अब खाना ना खा के निकलेंगे यहाँ से, रुकेंगे नहीं यहाँ, क्योंकि सफ़र अभी काटना है, हम लोग रायपुर ही जाना है। रायपुर से जो है कल लोडिंग का बात होगा, तो रायपुर ही जाना है हम लोग को। दोस्तों ये रोटी, थोड़ा सा चावल बचा हुआ है दिन का, तो चावल तो फेंकते नहीं है, जो भी बच जाता है तो उसको खाना ही पड़ेगा, मिलजुल के खा लेते हैं सब। ठीक है, ज़्यादा कड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि आदमी कई बार ऐसा होता है कि गलती से ज़्यादा तेल में तल देता कड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉर्मल है एकदम। ये देखिए अब शुभम भी खाने लगा, अब शुभम टेस्ट बताएगा। देख लो अब नमक उमक टेस्ट बता दो, कि गाड़ी में तुम बहुत कम खाता है ना इसीलिए। ठीक है, चलिए पास हो गया। तुमको कुछ कमी ना, तुम अंडा खा के बताओ, बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा ना। तो इस टाइप का मछली में अंडा उंडा मिल जाता है तो आदमी खा ही लेता है। दोस्तों रात के 11 बज चुका है, हम खाना खा लिए, अब यहाँ से निकलते हैं, कम से कम 50-100 किलोमीटर और सफ़र काटते हैं, और उधर जाकर पहाड़ी के पास ढाबा हुआ है, उधर ही वहीं जाकर सोएंगे, वहाँ हवा भी बहुत अच्छा लगता है, और होटल में गार्ड वगैरह भी रहता है वहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं वहीं पे। दोस्तों अभी रात के 1 बज चुका है और हम लोग खरसिया पार कर गए हैं, अच्छा मतलब यहीं पर बहुत पहले भी रुके, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सा गाड़ी लगा हुआ पार्किंग में, गार्ड भी 3-4 गार्ड है यहाँ पर, तो हवा भी बहुत मस्त चलता है यहाँ पर, इसलिए गर्मी के टाइम में हवा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दोस्तों जा रहे हैं अभी सोने के लिए, अभी सुबह फिर उठ के देखना है, क्लियर नहीं मेरा लोडिंग है, कहाँ का होगा क्या होगा अभी क्लियर नहीं है, तो रायपुर जाने के बाद ही पता चलेगा हमको, तो रायपुर से पहले हमको बोले हैं कि उधर खड़ा रहने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।